वीडियो में आने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कैप्सिकम और आलू का सूखी सब्जी। चलिए, इसको बनाने के लिए हम लोग एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें एक टेबल चम्मच तेल दे दिए हैं। इसमें हम लोग कैप्सिकम और प्याज को भून लेते हैं। पहले हमने इसमें दो शिमला मिर्च लिए हैं और एक प्याज। इसको थोड़ा सा भून के निकाल देंगे हम लोग। देखिए गाइस, मेरा शिमला मिर्च और प्याज को भून चुके हैं, इसको निकाल देते हैं। अभी देखिए गाइस, वही कढ़ाई में और एक टेबल चम्मच हम तेल ले लिए हैं। आधी टीस्पून जीरा दे देते हैं। अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए गाइस, प्याज मेरा भून चुका है। अब हम इसमें दो टीस्पून हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट दे देते हैं। इसको भी इसी के साथ भून लेते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं इसको खुशबू छोड़ने पर। इसमें आधी टीस्पून हल्दी डाल देते हैं। फिर कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर हाफ टीस्पून डाल देते हैं। फिर हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर एक टीस्पून, यानी कि डेढ़ टीस्पून डाल देते हैं। फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए गाइस, टमाटर मेरा गल चुका है। अब इसमें भुना हुआ बेसन एक चम्मच दे देते हैं। वन टीस्पून करीब होगा। अब इसमें दो उबला हुआ आलू डाल देते हैं जो काट के रखे थे हम, इसको भी मिला देते हैं इसमें।
थोड़ा भून लेते हैं आलू को। दो मिनट करीब भून लेते हैं इसको। देखिए गाइस, आलू हमने अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें भुना हुआ प्याज और कैप्सिकम को डाल देते हैं। इसको मिला लेते हैं फिर आलू के साथ। इसको भी दो मिनट के लिए भून लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए गाइस, दो मिनट हो चुका है, आलू और कैप्सिकम को अच्छे से भून लिए हैं हम। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देते हैं। इसको भी मिला लेते हैं। धनिया पत्ता डाल देते हैं। देखिए गाइस, मेरा बन चुका है आलू और कैप्सिकम का सूखी सब्जी। ये परोठा, रोटी, चावल के साथ में भी अच्छा लगेगा खाने से। देखिए गाइस कैसी बना है। ये देखिए, हम निकाल के दिखाते हैं। सूखी सब्जी में पानी नहीं डालना चाहिए, इसलिए हम पानी एकदम बिल्कुल नहीं डाले हैं, पूरा सूखा सूखा बनाया है। आप इसको घर में ज़रूर से बनाइए और कैसा लगा है कमेंट करके लिख के भेजिए कैसा लगा है। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, आप इसको घर में ज़रूर से बनाइए और खाइए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कैसा बना है। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।